आप सभी का मंगल हो। जो बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिन्होंने अभी चलना सीखा है या उससे थोड़े ऊपर, तो 4 साल से नीचे, आप उनका विशेष तौर पे सभी ध्यान देते हैं, मना नहीं करता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर के अंदर, जब कभी हमारा ध्यान जल्दी जाता नहीं, जैसे मान लीजिए कोई तार आपके मान लीजिए किचन में है, मिक्सी की तार लटक रही है, किसी और चीज़ की तार साइड से जा रही है और बच्चे ने खींच लिया, वो चीज़ उसके ऊपर आ गई है, इसी प्रकार कोई सॉकेट में हमें ध्यान नहीं रहा। हालांकि चाइल्ड लॉक सॉकेट्स आजकल आते हैं, इलेक्ट्रिक में जो लगते हैं पलक आदि सॉकेट्स, लेकिन हमें नहीं ध्यान रहा, उंगली चलेगी, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना। दरवाजे में डोर क्लोजर लगवा के रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा अगर खोल भी ले तो जल्दी से बंद नहीं, आराम से बंद होता है और वो उसी उंगली आने से बचाएगी। इसी प्रकार से खुलने में भी अपना आराम से खुलता है थोड़ा दम लगा के। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे के आजू बाजू कोई भी चीज़ ऐसी एजिज वाली नुकीली, जैसे मान लीजिए कई मेज़ होती हैं, पलंग होती हैं, कोई भी चीज़ हो, और उनके मतलब एकदम धारदार होते हैं उनके किनारे ना, एकदम धारदार, वैसे नहीं होनी चाहिए, राउंड शेप में तो चलता है। इसी प्रकार से आपका बच्चों को लेकर ये भी रहता है कि वो जो कटोरी गिलास थाली चम्मच जो भी कुछ उनके सामने रहते हैं, उनको पकड़ते हैं, झपटते हैं, खींचते हैं, तो वो भी एजिस वाली ना हो, बड़े राउंड शेप में हो, जिससे कि उसको उनको जल्दी से लगे नहीं, वो तीखे होते हैं, कई बार नाक कट जाती है और आँख पे लग जाती है माथे पे, इस चीज़ का ध्यान कर लीजिए। इसी प्रकार से बहुत अच्छी तरह गौर करिए, घर के वो सब कमरों के दरवाजे आप बंद रखिए जिसमें बच्चा जा सकता है, कोई चीज़ को घेर सकता है, तोड़ फोड़ कर, मतलब उससे चीज़ें टूट भी सकती हैं। आप फ्रिज है, अलमारी है, कोई भी चीज़ उनको हिला हिला के देखिए कि बच्चा बहुत ताकत से फोर्स लगाता है और उस फोर्स से क्या होता है, कई बार कई चीज़ें उसके ऊपर गिर जाती है, तो आप पहले से देखिए कि इतनी फोर्स लगा सकता है, गिर जाएगी नहीं गिर जाएगी। इसी प्रकार से कोई अलमारी खुलने वाली है, कोई और कोई चीज़ है, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो खुलने वाला, बच्चा उसमें घुस सकता है, जा सकता है, बंद हो सकता है, आप पहले से सारी चीज़ को चेक करके रखिए जिससे कि बच्चे के लिए खतरा नहीं हो। बाथरूम का दरवाज़ा विशेष तौर बंद रखिए, क्योंकि उसमें कई बार पानी की बाल्टी भरी होती है, टब भी होता है आपका, नहीं भी हो तो भी शीट्स तो होती है टॉयलेट वाली, तो बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। बच्चे को पालने के लिए केवल इतना ही नहीं कि हमारे को नहीं जी नहीं, हम बहुत ध्यान रखते हैं, वैसे केयरफुल हैं, सब कुछ अच्छे, बहुत अच्छी बात है, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, सारी माताएं बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखती हैं। कभी कभी हमसे छोटी छोटी चूक हो जाती है, किचन में तो बिल्कुल मत घुसते, तो बच्चे ने गलती से गैस की टोटी पकड़ ली और कुछ कर लिया, और वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है कोई भी चीज़ अगर, तो उससे उसको नुकसान हो सकता है या अपने को नुकसान हो सकता है, सोच रखाते हैं। आप जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं करते हैं, तो जो रेलिंग्स होती हैं, रेलिंग्स में कई रेलिंग्स में बड़ा भारी गैप होते हैं जिसमें आदमी तो नहीं निकल सकता, लेकिन छोटे बच्चे उसमें से आसानी से फिसल के नीचे जा सकते हैं, तो आप ऐसी रेलिंग पे बहुत ध्यान से बच्चे को गोदी उठा के लेके जाएं, ठीक है ना। वैसे उस रेलिंग के लिए तो ये भी है, जो और बच्चे 4 साल उससे थोड़ी सी बड़ी उम्र के होते हैं, वो उनको भी बहुत ध्यान से, वो कई बार क्या तो उसके ऊपर फिसलना शुरू करते हैं, उसके सहारे उतरना शुरू करते हैं, टांग फिसल के तो नीचे की तरफ है। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पर भी गौर करके चलिए कि बच्चे के लिए एक खास आप ध्यान रखिए, सड़क पर चलते समय उनको राइट साइड में हाथ पकड़ के मत चलिए। आमतौर पर मैंने देखा वो 4 साल का बच्चा भी है, 5 साल का, राइट साइड में माताएं हाथ पकड़ के लेके चलती हैं, अरे भाई राइट साइड मत चलिए, अपने को भी लेफ्ट साइड चलना, तो बच्चे को भी लेफ्ट साइड रखिए, कोई ना कोई टक्कर मार जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की आप दिमाग में एक लिस्ट बनाइए, आपकी कोई भी चीज़ मेज पे पड़ी हुई है, खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, कोई दवाई हो, कोई भी हो, बच्चा उस कुर्सी पर चढ़ सकता है या कुछ भी, आप पहले से दिमाग लगाइए, बच्चा ये भी कर सकता है, हो सकता है ये भी कर सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तब जाके, वरना कोई चीज़ मुंह में निकल ले मुस्कुर जाए। चलो घर में ऐसी कोई जहरीली चीज़ें होती हैं जो कि अपने चले, लेकिन कई मच्छर मारने की या चूहों को अटकाने की आपके आती है, कॉकरोच को हटाने के लिए कुछ पेंस वो आती हैं, चौक से आते हैं, और नहीं तो अगर आपने मान लीजिए फल फ्रूट रखे हैं, एक सिंपल सा को बताता हूँ, जामुन तो फिर भी गुठली वाला होता है, एक अंगूर अपनी आंखों से देखा, अंगूर गले में अटकते हुए, वो बच्चे ने अंगूर लिया, वो कुदरती अटक गया, वो सीधा निकला गया, ना अंदर गया ना बाहर, अटक गया, बड़ी मुश्किल से उसको उल्टा करके, छोटा बेबी था थोड़ा सा, मतलब 2.5-1 साल का, उसको उल्टा करके थप थप कई देर तक उसके पिताजी ने जब करा, तब जाके अंगूर निकला। तो मेरी भावना यहाँ पर ये कि ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि बच्चे का, हाँ एक और भी चीज़ है, कई बार बच्चे संतरा पकड़ लिया और कुछ ले लिया और कुछ हाथ में ले लिया, और वो हाथ में चिरमिराहट सी जाती है चीज़ों में, ऐसी और भी बहुत चीज़ें जिससे उस चीज़ों में कोई मिर्ची लग गई, कोई और कुछ हो गया जनों की, और बच्चे ध्यान रहता नहीं, वो भी खेल रहा, हम भी अपने काम में लगे हुए, और वो बच्चे की आँख से जाके लग गया, एलर्जी हो गई और कुछ हो गया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखिए और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बच्चों को लेकर आप 6 मतलब कहते हैं 6 कदम आगे चलिए, दूरी सोचिए,
आशा करता हूँ छोटी छोटी चीज़ों का आपने बहुत समझ लिया। इससे पहले ही मैंने दो वीडियोज और बनाई हैं, तो उसको लेके इसको लेके कलेक्टिव, क्योंकि इसके ऊपर टुकड़े नहीं कर पा रहा था, तो ये ध्यान रखिए आप। और हाँ, छत की उस डोली पर भी मत जाइए जहाँ पर डोली घुटने तक हो। डोली आप समझते हैं, छत की जो मुंडेर बोलते हैं वो घुटने तक हो। देखिए, अगर आपकी नाभि तक वो मुंडेर है तब तो मुंडेर मानी जाती है सही ढंग से, उसमें कोई नहीं गिर सकता, ठीक है ना। लेकिन उससे नीचे अगर मुंडेर है, कमर तक भी चल जाती है, लेकिन उससे नीचे अगर है घुटने तक या थोड़ी ऊपर, तो वो बच्चों के लिए खतरे की जान बन जाती है, खतरे का काम हो जाता है। इसलिए इस चीज़ पर भी गौर करके चलिए कि हमारे को ऐसा नहीं करना कि बच्चे को ले के जाएँ छत पर, उसको कैंसिल कर दीजिए। छत का दरवाज़ा खुला मत रखिए। इसी प्रकार से कई बार हम अपने एंट्रेंस गेट का दरवाज़ा भी खुला रखते हैं या बच्चे खुला रखते हैं, हम अपने काम पे लगे हुए हैं, हमें नहीं मालूम देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए बच्चे का ये अभ्यास ही मत कराए कि बच्चा जाके दरवाज़ा खोले, ठीक है ना। आप और खोल भी रहा तो आप भी एकदम सच्चा पर काम को स्टोव को गैस को बंद करके एक बार झाँक लीजिए कौन है कौन नहीं है, क्योंकि बच्चा हो सकता है नीचे भी जा सकता है। आप सोसाइटी में रहती नीचे भी जा सकता है, आप घरों में रहती बाहर भी जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को और आजकल के समय के हालात को देखते हुए, हाथ से देखते हुए आपको बहुत ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, हम बच्चों को बाजार में ले जाते हैं, हम अपने काम में ले जाते हैं, बच्चे को हम अपनी टांग में पकड़ के रखते हैं या कैसे भी, हम सोचते बच्चा यही है, लेकिन हम अपने काम में देखते देखते इतने मशगूल हो जाते हैं, हमें यही नहीं मालूम पड़ता कि बच्चा अचानक कहाँ हाथ से निकल गया, नीचे से निकल गया, साइड से निकल गया, फिर वो हादसे हो जाते हैं। तो आपको बहुत सजगता के साथ चलना है, तब पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी पार। और मैं मंगल कामना करता हूँ।